नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति के बाद ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के साथ ही कई सितारों ने पाकिस्तानी कलाकारों को भी बैन करने और उनके साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करने की अपील की है। इस अपील का कई कलाकारों ने समर्थन किया है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर रणवीर सिंह का रिएक्शन आ चुका है। रणवीर सिंह ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि एक ऐसा तबका है जो इस सोच में विश्वास करता है कि आर्ट्स और स्पोर्ट्स को इन मुद्दों के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्समैन सैनिकों की तरह बलिदान नहीं देते और उनकी तरह स्थितियों का सामना नहीं करते। कला और खेल एक अलग क्षेत्र है और इसकी सीमाओं को अलग ही बनाए रखना चाहिए। हालांकि अगर किसी सैनिक की मां ये मानती है कि कलाकारों और खिलाड़ियों को इस स्थिति में साथ में काम नहीं करना चाहिए तो सभी को इसका पालन भी करना चाहिए। आपको बता दें कि तनाव के बीच भारतीय फिल्मों और कंटेंट पर पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया है। इस दौरान भारत में भी पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने और वीजा नहीं देने की मांग उठी थी। इस मांग के बीच कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स पाक आर्टिस्ट को अपनी फिल्मों से बाहर का रास्ता भी दिखा चुके हैं। इनमें से सलमान खान भी एक हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान की फिल्म नोटबुक में पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम ने गाना गाया था, लेकिन अब सलमान ने आतिफ असलम का गाना हटा दिया है। वहीं कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने अपनी अपकमिंग फिल्मों के लिए पाकिस्तान में रिलीज को कैंसिल कर दिया है। बात अगर रणवीर सिंह की फिल्मों की करें तो हाल ही में उनकी गली बॉय रिलीज हुई है जिसने काफी अच्छा कलेक्शन किया है। अब जल्द ही रणवीर सिंह फिल्म 83 में दिखाई देंगे। फिलहाल इस फिल्म की शूटिंग भी रणवीर सिंह ने शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि फिल्म 83 कपिल देव की बायोपिक है जिसमें रणवीर सिंह बिल्कुल अलग अंदाज में आपको दिखाई देंगे। बहरहाल रणवीर सिंह का इस पर रिएक्शन आया है, लेकिन रणवीर सिंह के रिएक्शन पर आपका क्या है कहना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।